तो प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हमने सबसे पहली चीज़ जो सीखी थी वो थी नेचुरल नंबर, जो कि वन से स्टार्ट होते हैं। फिर इसके बाद हमने देखे थे होल नंबर, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। इसके बाद हमने इंटीजर्स को समझा था, उसमें प्लस वाले नंबर भी आते हैं और माइनस वाले भी आते हैं। ठीक, इसके बाद हमने रैशनल नंबर को समझा था, ऐसे नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। ये समझ आया आपको? ठीक। और उसमें मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि जो डिनोमिनेटर होता है क्यू, पी अपॉन क्यू में जो क्यू होता है वो किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे आंसर कैसा हो जाता है? नॉट डिफाइंड। याद है आपको कैसा हो जाता है? नॉट डिफाइंड। ये सारी प्रॉपर्टी के बेसिस पर हमने कुछ क्वेश्चंस को देखा था। और इसके अलावा हमने क्या सीखा था लास्ट क्लास में? हमने ये देखा था कि दो नंबर हमें गिवन हो तो उनके बीच में रैशनल नंबर्स कैसे निकालते हैं, 5 नंबर 6 रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं। ठीक है, इससे आगे की बात आज की क्लास में हमें करनी है। तो देखो प्यारे बच्चों, आपको मैंने कल की क्लास में बताया था रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स। ओके, ये जो रैशनल नंबर है ना, इसमें मैं आपको थोड़ी सी आगे प्रॉपर्टी बताता हूँ, ध्यान देना बोर्ड पर। देखो प्यारे बच्चों, कहीं पर लिखा हुआ है 2, है ना, और 2 से ना आपको किसी नंबर को डिवाइड कराना है। क्या करना है? डिवाइड कराना है। तो मैंने ना ऐसा किया, यहाँ पर 7 लिख दिया, ठीक, और मैंने कहा 2 से ना इस 7 को डिवाइड करके दिखाओ आप। तो आप कैसे डिवाइड करोगे? तो आप कहोगे सर यहाँ पर लिखिए 3, 2 3 जा 6, और यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर कितना आंसर? ऐसे तो करोगे डिवाइड? ठीक है, फिर इसके बाद अब आगे डिवाइड जाएगा नहीं, तो यहाँ पर क्या करोगे? पॉइंट लगाओगे, पॉइंट लगाकर यहाँ पर 0 लिखोगे। फिर आप कहोगे अब सर 2 5 जा 10, और जब आपने माइनस किया अब यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया? इसको क्या कहते हैं? रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना आया? 0। अब बताइए ये डिवाइड खत्म हो चुका है या अभी और आगे करूँ? खत्म हो चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब 7 को डिवाइड किया जाता है किससे? 2 से, तो एक आंसर आता है 3.5, 3.5। ये जो आंसर आया है वो डेसिमल फॉर्म में है। ठीक है, लेकिन इस डिवाइड की एक खास बात है कि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट की एक पर्टिकुलर डिजिट के बाद खत्म हो गया था, टर्मिनेट हो गया था। क्या हो गया था? टर्मिनेट। ठीक है, तो ऐसे जो डेसिमल होते हैं ना प्यारे बच्चों, जो पॉइंट के बाद कहीं पर खत्म हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये बात आई आपको समझ में? ठीक। अच्छा, अब दूसरा एग्जाम्पल सुनिए आप, तब आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। क्या एग्जाम्पल है? सपोज करो प्यारे बच्चों, मैंने 3 लिया और 3 से डिवाइड किया किसको? 10 को, है ना। अब ध्यान से देखना, 3 3 जा 9, यहाँ मैंने 9 लिखा, माइनस किया, आंसर क्या आया? 1। ठीक, अब आप आगे डिवाइड करने के लिए क्या करोगे? यहाँ पर पॉइंट लगाओगे और यहां पर 0 लिख लोगे। अब फिर से 3 3 जा 9, माइनस किया, आंसर कितना आया? फिर क्या करें? अब पॉइंट तो लगा चुके हैं, तो हम अपनी तरफ से फिर से क्या लगा सकते हैं? 0। अब फिर से करो 3 3 जा 9, फिर माइनस करो, फिर क्या आएगा? कहां तक? ऐसे करते चले जाओ, कब तक करते रहोगे? जब तक फालतू टाइम हो तब तक करते रहो बैठ के, है ना। ये कभी खत्म होगा क्या? कभी खत्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा, 3 3 3 3 3 3 3 3 चलता ही रहेगा। ठीक, तो इस बात का मतलब ये है कि अगर 10 को प्यारे बच्चों डिवाइड करें किससे? 3 से, तो हमने ये चीज देखी कि 3.3 3 3 3 3, कितने 3? बहुत सारे 3 आते ही चले जाएंगे, कभी नहीं रुकेंगे। ठीक है, इस तरह के प्यारे बच्चों जो डेसिमल होते हैं उनका नाम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। ये बात आई आपको समझ में? जो खत्म हो जाए कहीं पर डिवाइड, वो टर्मिनेटिंग, जो कभी खत्म ना हो वो क्या? नॉन टर्मिनेटिंग, या इसका दूसरा नाम होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। कैसे? रिपीटिंग डेसिमल। क्या नाम होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये समझ आया आपको? ठीक, अब एक और चीज सुनिए आप ध्यान से। ये प्यारे बच्चों 3 पॉइंट, 3 पॉइंट के बाद
ये थ्री आया, अब इसके बाद हर बार थ्री आता जा रहा है, ठीक। तो ये जो नंबर है इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आंसर है जो चीज रिपीट हो रही है उसको ऐसे लिख दो, जो चीज रिपीट हो रही है उसको ऐसे लिख दो, मतलब इसको हम पढ़ते हैं बार। क्या पढ़ते हैं? बार। ये क्या लिखा हुआ है बोर्ड पर? तो आंसर है 3.3 का बार। और ये बार क्या दिखाता है? कि ये 3 बार बार आ रहा है। 3 क्या आ रहा है? बार बार आ रहा है ना। ऐसे पढ़ लो इसको, 3 बार बार आ रहा है, मतलब कि अगर इसको किसी बच्चे ने खोला तो वो कहेगा ये 3 बार बार आ रहा होगा, ऐसे। बिल्कुल सिंपल है, ये समझ आया आपको? ठीक। अगर फिर से कहीं प्यारे बच्चों 4.7 ऐसे लिखा हुआ है तो आप इसे कैसे पढ़ोगे? तो आंसर है हम इसको पढ़ेंगे 4.7 का बार, ठीक। और मैंने अगर बोला बेटा इसको खोल के दिखाओ तो आप क्या कहोगे? सर इसको तो ऐसे खोल देंगे, सर 7 का बार है, मतलब कि 7 बार बार आ रहा है ऐसे। बिल्कुल सिंपल है, ये समझ आया? ठीक। एक और एग्जांपल, कहीं पर प्यारे बच्चों लिखा हुआ है 5.13 बार, ठीक। अब इस बात का क्या मतलब है सर? तो इस बात का मतलब यह है कि 5. कितनी डिजिट के ऊपर बार है? 2 डिजिट के ऊपर, यानी क्या रिपीट हो रहा होगा बार बार? 13, क्या? 13, ठीक है। तो 13 13 13 एंड सो जितनी डिजिट के ऊपर होगा बार, वही डिजिट बार बार रिपीट हो रही होगी, ठीक। अच्छा सर अगर ऐसे दिया हो तो 4.1 और 7 के ऊपर केवल बार लिखा हो सर, ऐसे हो सर, तो क्या होगा? तो हमने कहा कि 4 ऐसे ही ठीक है, पॉइंट ऐसे ही ठीक है, 1 भी ऐसे ही ठीक है, 1 के ऊपर तो बार नहीं है ना। अब क्या किसके ऊपर बार है? 7 के ऊपर। तो हम केवल किसको रिपीट करेंगे? 7 को। यस, अब सर समझ में आ रही बात, ये समझ आता है आपको? ठीक। 7 के ऊपर नहीं होता है, 1 के ऊपर होता। हाँ, ये बात भी बढ़िया है। अगर यहाँ पर 4.1 बार और यहाँ पर 7 आ जाए तो प्यारे बच्चों इस बात का कोई मीनिंग ही नहीं है। मतलब सर इस बात का क्या मीनिंग है? इस बात का मतलब ये है कि अगर सोचो यहाँ पर 0.3333 ये रिपीट हो रहा है तो ये तो हमेशा रिपीट हो रहा होता, उसकी आगे की डिजिट कभी आती क्या? नहीं आती। तो इस बात का मतलब ये है कि अगर ये रिपीट हो रहा है तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। हाँ, ये आ ही नहीं सकता। वेरी गुड, ये समझ आया आपको? ठीक। तो इसका मतलब चीज़ें ऐसी हो सकती हैं या ऐसी हो सकती हैं, कैसी नहीं हो सकती हैं? यहाँ बार हो और यहाँ पर कुछ और लिखा हो, क्योंकि ये रिपीट हो रहा होगा तो आगे कुछ आ ही नहीं पाया होगा, हम करते जा रहे होंगे, है ना। ठीक है, तो अगर ऐसा आ जाता है तो आप क्या कर रहे होंगे? 4.17 17 17। ये समझ आया आपको? और बताइए कोई डाउट हो आपके मन में? 4 के ऊपर होता तो ये पीछे वाली डिजिट का कोई मीनिंग नहीं रह जाता, जहां पर बार आ जाएगा उसके बाद कुछ भी नहीं आपको दिखाई देगा, क्योंकि वो चीज बार बार चलती जा रही होगी। ऐसे सोच लिया करो कि ये 3 3 3 आता जा रहा होगा, तो जब ये 3 3 खत्म ही नहीं होगा तो आगे डिवाइड होगा कैसे, है ना। यस, तो ये आपके सामने कंसेप्ट आया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। रैशनल नंबर प्यारे बच्चों 2 तरह के होते हैं। कैसे तरह के सर? रैशनल नंबर की डेफिनेशन प्यारे बच्चों आपने मुझे ये बताई थी कि जो नंबर हो किस फॉर्म में, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, वो नंबर क्या कहलाते हैं? अब बोर्ड पर ध्यान दो, ये नंबर किस फॉर्म में है? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, ठीक। और ये नंबर कैसा है? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। ये दोनों ही नंबर कैसे नंबर हैं? रैशनल नंबर। समझ में आ रहा है? लेकिन यानी कि रैशनल नंबर 2 तरह के होते हैं। कैसे कैसे? कि ये भी रैशनल नंबर है लेकिन ये कैसा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ये भी रैशनल नंबर है लेकिन ये कैसा डेसिमल है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये समझ आया आपको? ठीक। तो हमने रूल बनाया कि जो रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर ये 2 तरह के हुआ करते हैं। एक होते हैं टर्मिनेटिंग और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं? तो आंसर है ऐसा डिवाइड जिस डिवीजन में रिमाइंडर क्या आ जाए? 0,
तो हम क्या कहेंगे, वो कैसा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग, जिसमें जीरो ना आए, कोई चीज़ रिपीट होती चली जाए, वो क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और दोनों ही कैटेगरी क्या होती हैं, रैशनल नंबर। ठीक, तो अब मुझे एक बात का आंसर दीजिए, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन आर, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर, इज ऑल रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग, नो, इट मे बी, वेरी गुड। ठीक, इज ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग, नो, इट मे बी टर्मिनेटिंग। ये समझ आया आपको? ठीक, इतनी बात अगर आपको समझ में आई है, ठीक है, पहले आप इसको नोट करिए और फिर मैं इससे आगे बढ़ता हूँ, आपको अच्छी अच्छी बात बताता हूँ। रैशनल नंबर दो तरह के होते हैं, समझ लिया हमने। अब इसके बाद प्यारे बच्चों एक नई चीज़ आपके लिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, वो है इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इरेशनल नंबर्स। ठीक, रैशनल नंबर आप जानते हो, जो रैशनल नंबर ना हो वो कैसे नंबर होंगे? ठीक, तो इरेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टी हैं प्यारे बच्चों, वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर वन, हमें सर कैसे पता चलेगा कि बोर्ड पर जो नंबर लिखा हुआ है वो रैशनल है या इरेशनल? तो रैशनल की प्रॉपर्टी तो आपको पता चल गई, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, अच्छा, अगर ये दोनों ना हुए तो वो नंबर कैसा कहलाएगा? इरेशनल, यानी कि कोई भी नंबर जो ना तो टर्मिनेटिंग हो और ना ही रिपीटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग ना हो, है ना, तो ऐसा नंबर क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर। ठीक, नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, एग्जाम्पल देखिए, ना तो टर्मिनेट हो रहा हो और ना रिपीट हो रहा हो, ऐसा एग्जाम्पल देखना, कुछ भी लिख रहा हूँ, 1.01 लिखा मैंने, ठीक है, इसके बाद देखना दो जीरो लिखे फिर वन लिखा, रिपीट हुई क्या कोई चीज़? रिपीट तो नहीं हुई। फिर देखना 3.0 लिखे फिर वन, फिर इसके बाद मैंने क्या किया, 4.0 लिखे फिर वन, और ऐसा क्या हो रहा है, चलता जा रहा है। चलता जा रहा है का मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। ठीक, ये बात तो समझ में आ गई, खत्म तो हुआ नहीं तो ये टर्मिनेटिंग तो है नहीं। अब दूसरी बात, क्या ये रिपीटिंग है, क्या ये कहीं रिपीट हुआ? नहीं, पहले एक जीरो आ रहा था, फिर दो आ रहे थे, फिर तीन आ रहे थे, फिर चार आ रहे थे, ऐसे फिर अगली बार पाँच आ रहे होंगे। तो ये जो एग्जाम्पल आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें ना तो ये नंबर टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। ठीक, ऐसा एक और एग्जाम्पल आप मुझे बताइए। तो आंसर कोई सा भी दे दो, डिजिट चेंज कर दो, क्या हो गया, 2. क्या लिख दो, 02 002 0002, ऐसे करके लिखते रहो। और बता सकते हो क्या? कितने ही बता देंगे आप, 3 लेकर कर देंगे सर। क्या सर जरूरी है 00 लेकर ही आप करते हो, ऐसा करना जरूरी है? नहीं बेटा, कुछ भी आपका जो मन में आता हो, 3, पहले 1 लिखा 2, फिर 2 बार 1 लिखा फिर 2, फिर 3 बार 1 लिखा फिर 2, फिर 4 बार 1 लिखा फिर 2, ऐसे कितनी भी लो, यहाँ पर जितना मन आती हूँ, एक भी मत लो, ये लो, यहाँ पर 10, हाँ ये 10 लिख दो, जो मन में आया आगे आप कुछ भी लिखो, क्योंकि पॉइंट के बाद वाली चीज ही तो डिसाइड करती है कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं। ये बताओ मुझे, यहाँ पर 3 लिखा है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल? तो आंसर ये तो सर डेसिमल ही नहीं है, है ना। अच्छा, अब इसके बाद यहां पर मैंने लिखा 0.2 और मैंने कहा ये किसी चीज का आंसर है 3.2, तो बताओ ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? किसको देखकर बताया? पॉइंट के बाद वाली को देखकर बताया, है ना, कि अगर पॉइंट के बाद वाली चीज रुक गई है कहीं पर तो वो कैसा है? टर्मिनेटिंग। तो यानी कि पॉइंट के बाद वाला मैटर करता है, आगे तो आप कुछ भी लिखते रहो, है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, पर आपको समझ में आ रहे होंगे, ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो। ठीक, पहली चीज, इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं, इस तरह के जो नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर्स।
सेकंड सेकंड वाली बात प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट वाली बात, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर। ठीक, अच्छा अब आप क्लास एट्थ में पढ़ के आए हो एक चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़े थे। अब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में क्या होता था कि कई बार आप अपने ऐसा देखा होगा जैसा रूट फोर लिखा है, है? उसका आंसर कितना आएगा, ऐसे तो करते थे है ना। नाइन का स्क्वायर रूट कितना होता था? अच्छा फाइव का बता सकते हो कितना होता था? नहीं, तो आप कहते थे कि सर ये तो परफेक्ट स्क्वायर रूट है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर रूट है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। ऐसे ही प्यारे बच्चों आपको याद होगा कि रूट 16 कहीं पर आता तो 16 का क्या होता था? 4, 4 4 जा तो होता था ना 4 उसका, ऐसे 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, तो ये आपने पढ़े हैं क्लास एट्थ में। ठीक है, तो ये नंबर आप कहते थे कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है, लेकिन रूट 5 जैसे ही मैंने लिखा तो आपने क्या आंसर दिया कि सर ये तो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है तो इसका मतलब ये कैसा नंबर है? तो आंसर है ये कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। ये समझ आया आपको? ठीक, और कोई एक ऐसा नंबर बताइए जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। 15, वेरी गुड, सही बात है 15। और कोई बच्चा बोला कि सर 18 है, हाँ 17, वेरी गुड, रूट 6, हाँ ऐसे कितने एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। आपको बात समझ में आ गई है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर। ठीक, यारे बच्चों एक और इंपॉर्टेंट वाली प्रॉपर्टी बता रहा हूं, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। क्यूब एंड क्यूब रूट चैप्टर पढ़ के आए हो क्लास एट्थ में, है ना, उसमें क्यूब रूट मतलब कि तीन डिजिट्स, जैसे कि बात करो 2 × 2 × 2 है ना, तो 8 होता था ना, तो 8 क्या है? परफेक्ट क्यूब होगा, किसका है ना, यही तो कहते थे आप, तो 8 क्या है? परफेक्ट क्यूब। ठीक, ऐसा कोई नंबर बताओ जो परफेक्ट क्यूब ना हो। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, पहले तो सुनो, 8 का स्क्वायर रूट क्यूब रूट कितना होता है? 8 का क्यूब रूट कितना होता है? 2। ठीक, 27 का क्यूब रूट कितना होता है? 3, वेरी गुड। ठीक है ना, इसी तरह से आप मुझे एक एग्जाम्पल दो जिसका क्यूब रूट नहीं होता हो, परफेक्ट ना होता हो। तो आंसर है सर ये जो बोर्ड पर आपने लिखे हैं ना, इन्हीं में से कुछ एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि रूट 5 है, क्या ये परफेक्ट क्यूब रूट है? नहीं है, तो ये किसका ऑल्सो एग्जाम्पल है इसका, तो ये कैसा नंबर है? इरेशनल। ठीक, रूट 8 यहां पर नहीं लिखा जा सकता, देखो रूट 8 तो किसका एग्जाम्पल हो गया? नॉट अ परफेक्ट, देखो परफेक्ट क्यूब होता है ना रूट 8, तो रूट 8 को हम नहीं ले सकते यहां पर। देखो किस किस को ले सकते हैं, रूट 5 ले लिया, क्या ले लिया, रूट 6 ले लिया, इसके बाद रूट 7 ले लिया, अब क्या रूट 8 लिख सकता हूं यहां पर? नहीं, क्योंकि वो क्या होता है? परफेक्ट क्यूब होता है। ठीक, अच्छा अब इसके बाद बताओ रूट 9 लिख सकता हूं क्या? नहीं, क्यों? रूट 9 क्या होता है? वो एग्जाम्पल नहीं लेना है, है ना, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होना चाहिए बताओ? रूट 10। ठीक है ना, तो इनके एग्जाम्पल लिखते वक्त भी ये ध्यान रखना कि वो परफेक्ट क्यूब तो ना हो, साथ में और क्या ना हो? परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो फिर से बिल्कुल सिंपल सी चीज, ऐसे नंबर जो ना तो परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं और ना ही जिनका परफेक्ट क्यूब रूट निकाला जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर। ये समझ आया आपको? ठीक, तो मैंने अभी तक आपको प्यारे बच्चों तीन बातें बताई हैं, एक तो ऐसे नंबर जो ना तो कभी टर्मिनेट होते हों ना रिपीट होते हों, ऐसे नंबर जो ना तो परफेक्ट स्क्वायर रूट हों, ना तो परफेक्ट स्क्वायर हों और ना ही परफेक्ट क्यूब हों, ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? इरेशनल। ये तीन बातें बता चुका मैं, अब फोर्थ और लास्ट बात बता रहा हूं प्यारे बच्चों, ये आपके सामने बोर्ड पर जो लिखा हुआ है इसे पढ़ते हैं पाई। क्या पढ़ते हैं? पाई। और पाई कैसा नंबर होता है? इज अ इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। पाई कैसा नंबर होता है? इरेशनल। हम कैसे मान लें सर कि इरेशनल होता है? तो ये मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा जब मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा 1.5 में, थर्ड क्वेश्चन शायद है वहाँ पर,
जिसमें ये प्रूफ करने के लिए आया है कि पाई कैसा नंबर है, तो मैं आपको वहाँ पर करके दिखाऊंगा, ठीक है। पाई की वैल्यू आपको बुक्स में कहीं पर लिखी हुई दिखेगी 22/7, है ना। 7 से जब डिवाइड करते हैं 22 को, तो वो ना तो टर्मिनेट हो रहा होता है और ना ही रिपीट हो रहा होता है, ठीक है ना। बहुत आगे जाके कहीं हो जाता हो तो कह नहीं सकता, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक आप करते रहोगे तो आप देखोगे ना तो वो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब वो कैसा नंबर हुआ, इरेशनल नंबर, ठीक है। अच्छा, जब सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर में आपको कराऊंगा तो पाई की पूरी कहानी सुनाऊंगा कि पाई होता क्या है, ठीक है। ये चार बातें जिस बच्चे को पता है तो वो इरेशनल नंबर को पहचान सकता है। अब मैं बोर्ड पर आपके सामने एक नंबर लिख रहा हूँ, वो आपको देख कर बताना है कि वो इरेशनल नंबर है या नहीं है। इरेशनल, ठीक है। फिर से मैं आपके सामने एक नंबर लिख रहा हूँ, बताइए रैशनल क्यों? क्योंकि ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट, क्योंकि 25 का आंसर क्या आता है, ठीक, 5 आता है। तो सर ये इरेशनल क्यों नहीं है? क्योंकि प्यारे बच्चों 5/1 तो क्या होता है, तो जिनका स्क्वायर रूट निकल जाएगा उनका आंसर कुछ ऐसा आ रहा होगा, और उनके नीचे अपॉन में 1 लिख दोगे तो वो क्या बन जाएंगे, रैशनल नंबर। ये समझ आ रहा है आपको? इसी तरह से प्यारे बच्चों जैसे कि √9 है ना, तो इसका आंसर आप क्या लिखते हो, आप यही तो कहोगे इसका आंसर क्या है, 3, और 3 को क्या लिखा जा सकता है, यानी कि ये कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। ये समझ आ रहा, ठीक है। कैसा नंबर है, रैशनल या इरेशनल, ये बताओ, इरेशनल नंबर, ठीक। हाँ, वेरी गुड। कैसा नंबर है, रैशनल। इसने ये आंसर क्यों दिया, क्योंकि इसने सोचा कि ये पॉइंट के बाद वाली जो डिजिट है वो रिपीट हो रही हैं, और जो रिपीट होते हैं या जिसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर। रिपीट हो रहा हो या टर्मिनेट हो रहा हो, दोनों ही केस में वो क्या होगा, रैशनल। इरेशनल तो तब होगा जब ना तो रिपीट हो रहा हो और ना ही टर्मिनेट हो रहा हो। ये समझ आया आपको, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर इसके आगे की बातें बताता हूँ आपको, ओके। तो नेक्स्ट, इतना कंसेप्ट समझने के बाद कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, ये चार प्रॉपर्टी समझने के बाद, और रैशनल नंबर क्या होते हैं ये दोनों प्रॉपर्टी समझने के बाद, अब हम एक्सरसाइज को समझ सकते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, वो दिखाता हूँ आपको। एक्सरसाइज है नंबर 1.2, बुक का नाम है NCERT। देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए, सबसे पहला है एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, ओके। एक बात और जो मुझे आपको बतानी है वो मैं आपको पहले बताता हूँ कि अभी तक आपने जो समझे हैं वो दो तरह के नंबर समझे हैं। कौन कौन से नंबर, रैशनल नंबर, है ना। और अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है तो वो कैसा होगा, इरेशनल नंबर। दो तरह के नंबर हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, या तो नंबर रैशनल नंबर होते हैं या इरेशनल नंबर होते हैं, और ये अगर सब मिला दिया जाए तो इन सभी नंबर्स को हम क्या कहेंगे, रियल नंबर्स। रियल नंबर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो वो रैशनल नंबर होंगे या वो इरेशनल नंबर होंगे। तो इस दुनिया में दो ही तरह के तो नंबर हमने अभी तक पढ़े हैं, या तो वो रैशनल है या इरेशनल है, और अगर दोनों को पूछा जाए तो दोनों मिलाकर क्या बन जाते हैं, ठीक है। तो इस बात का मतलब तो ये हुआ कि इस दुनिया में जितने भी रियल नंबर हैं या जितने भी रैशनल नंबर हैं वो सब क्या होते हैं, जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो सब क्या होते हैं। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन, क्या जितने भी रियल नंबर हैं वो सब रैशनल होते हैं? नो, इट मे बी। क्या दुनिया में जितने भी रियल नंबर हैं वो सब इरेशनल होते हैं? आंसर है नो, इट मे बी रैशनल। इतनी बात आ गई आपको समझ में, ठीक। अब पहला क्वेश्चन सुनिए आप, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, क्या जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो सब रियल नंबर हैं? आंसर है यस। ये चीज सबकी सब क्या होती हैं, रियल नंबर, ठीक। तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। ये बात आपको क्लियर हुई, हमने दो तरह के नंबर पढ़े और इन सबको मिलाकर क्या कहते हैं, रियल नंबर। तो ये सारे नंबर क्या होते हैं, रियल। ये सारे नंबर क्या होते हैं, रियल, ठीक। ये बात आ गई ना, लेकिन जितने भी रियल नंबर हैं वो सब के सब इरेशनल नहीं होंगे, वो क्या और हो सकते हैं, रैशनल,
ठीक है, इस तरह से आपको चीजों को देखना है। तो अभी हमारे सामने जो क्वेश्चन आया था वो ऐसा था, क्या जितने इरेशनल नंबर हैं वो सब रियल हैं? हाँ हैं, जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो सब क्या हैं? रियल नंबर हैं। ठीक, अच्छा, अब सेकंड, इसी के साथ मैं आपको ये वाला थर्ड पार्ट पहला दिखाता हूँ। ठीक है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर? नो, इट मे बी रैशनल नंबर। ठीक, इसका मतलब थर्ड पार्ट का आंसर आप जान गए, इसका आंसर क्या है? फॉल्स। ठीक, बिल्कुल आसान सी चीज है। इसका सेकंड पार्ट क्या है? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। नंबर लाइन आपने क्लास 8th में पढ़ी है, नंबर लाइन कैसी दिखती है आपको याद है? कुछ ऐसी दिखाई देती है, जैसे ये लाइन बनाई, इस लाइन के ऊपर हमने क्या लिख दिए? नंबर। अगर इसके ऊपर हमने नंबर लिख दिए तो ये कैसी लाइन बन गई? नंबर लाइन, है ना? इसी को तो आप नंबर लाइन कहते थे, यहाँ पर जीरो के बाद इधर प्लस के नंबर लिखते थे और इधर माइनस के, इसको नंबर लाइन कहते हैं। अब वो कह रहा है कि जितने भी नंबर हैं नंबर लाइन पर, उन सब के ऊपर स्क्वायर रूट लगाया जा सकता है, क्या वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में होते हैं? तो हमने लगाया, देखो, जीरो यहाँ पर भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ तो लगा दिया हमने। अब जैसे यहाँ का नंबर आया तो आपने ये तो सब पढ़े हैं, ठीक है, इन सब के आंसर भी आपको पता है, जैसे कि रूट जीरो की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। रूट वन की वैल्यू कितनी होती है? वन। और रूट टू कैसा नंबर होता है? इरेशनल। रूट थ्री इरेशनल। रूट फोर की वैल्यू टू, है ना? इस तरह से ये तो हमें आते हैं सॉल्व करना, थोड़ा बहुत हमने अभी सीखा और कुछ पहले से पढ़ के आए थे। ठीक, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर रूट लगाता हूँ, यहाँ पर, ऐसी तो कोई चीज़ नहीं पढ़ी सर हमने, ऐसा कभी स्क्वायर रूट नहीं पढ़ा जिसमें अंदर नंबर माइनस में लिखा हो। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी नेगेटिव नंबर हैं उनके ऊपर क्या नहीं लगाया जा सकता? रूट। क्या नहीं लगाया जा सकता? रूट। क्योंकि अगर आप रूट लगा देंगे तो वो कैसा नंबर नहीं रहेगा? रियल नंबर। तो सर वो कैसा नंबर बन जाएगा? ये आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे कि जब आप रूट लगा देते हैं तो वो रियल नंबर नहीं रहते हैं, वो कैसे नंबर बन जाते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे नंबर बन जाते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स। लेकिन ये तो बड़ी क्लास में जाकर पढ़ेंगे ना सर, अभी तो हमें पता ही नहीं, तो हम तो ये कहेंगे कि भाई यहाँ पर रूट नहीं लगाया जा सकता। ठीक, तो हम क्या कहेंगे इसका आंसर? इसका आंसर क्या है? फॉल्स। एवरी नंबर ऑन द नंबर लाइन कैन नॉट बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ रूट एम। रूट की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। व्हाई? बिकॉज नेगेटिव नंबर्स कांट बी इन द फॉर्म कौन सा? रूट एम। ये समझ आया आपको? ठीक, नंबर आपको दिखाता हूं, टू। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, 1, 2, 3, 4, 5, है ना, ये, और इधर जीरो, और जीरो भी होता है, और इधर क्या होता है? माइनस, है ना? तो उनको माइनस वालों को तो नेगेटिव इंटीजर कहते हैं, और इधर वालों को क्या कहते हैं? ये आपको बताया था, ठीक है। अब वो ये पूछ रहा है कि जितने भी ये पॉजिटिव इंटीजर हैं, ये इनके अगर रूट निकाले जाएं, रूट, तो वो पूछ रहा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? क्या जितने भी नंबर ये बोर्ड पर लिखे हुए हैं ये सबके सब इरेशनल है क्या? नो। क्यों? क्योंकि रूट जीरो की वैल्यू कितनी होती है, और जीरो कैसा नंबर होता है? रैशनल। ये समझ आया? फिर से, रूट वन की वैल्यू कितनी होती है? वन। और वन कैसा नंबर होता है? रैशनल। रूट टू कैसा नंबर है? इरेशनल। कैसा नंबर है? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। ऐसे ही रूट थ्री इरेशनल। रूट फोर का आंसर कितना आता है? टू। तो इसका मतलब ये कैसा नंबर हुआ? रैशनल नंबर। रूट फाइव इरेशनल, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। ये समझ आया आपको? तो वो पूछ रहा था, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल? तो आंसर है नो, इट मे बी रैशनल। नो, इनमें से कोई एक एग्जांपल।
रूट फोर एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसका स्क्वायर रूट क्या आता है? रैशनल, ठीक है। अच्छा, इफ नॉट गिवन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट, ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। वो कह रहा है कि अगर ऐसा नहीं है, आप नो क्या आंसर दे रहे हैं, नो, तो एक एग्जांपल देकर दिखाइए एक पॉजिटिव इंटीजर का जिसका स्क्वायर रूट निकालें तो वो कैसा नंबर आए, रैशनल। तो आपने दे दिया ये एग्जाम्पल, रूट फोर का आंसर कितना आता है, टू, और टू को क्या लिख सकते हैं, तो ये कैसा नंबर है, रैशनल। ये दोनों समझ में आए होंगे आपको, कोई डाउट इसमें, ये समझ में आ रही है बात, ठीक। हमें रूट फाइव को कहाँ पर शो करना है, नंबर लाइन पर, ठीक है। तो नंबर लाइन पर शो करने के लिए मैं आपको एक एक्टिविटी करके दिखाता हूँ पहले तो, ठीक है। और उस एक्टिविटी में आपको रूट टू, रूट थ्री, रूट फोर, रूट फाइव, रूट सिक्स, जो भी आप चाहें उस एक्टिविटी के थ्रू बना सकते हैं, और उनमें से ये एक क्वेश्चन बन जाएगा रूट फाइव, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए आपको करना क्या होता है। आपको एक लाइन खींचनी है, कोई भी एक लाइन, किसी भी लेंथ की, ठीक है। अच्छा, उस पर आपने एक कोई पॉइंट माना, उस पॉइंट का नाम रखा ए, ठीक है। उस पॉइंट का नाम क्या रख दिया, ए, ठीक है। इसके बाद ध्यान सुनना, ए से 1 सेंटीमीटर पर आपने कोई दूसरा पॉइंट माना बी, ठीक, बिल्कुल आसान सी बात। अब इसके बाद फिर से क्या किया मैंने, एक लाइन खींची है, कितनी भी बड़ी खींच सकते हैं आप, ठीक। उस पर एक पॉइंट मानना है ए, उससे 1 सेंटीमीटर पर आपको क्या करना है, दूसरा पॉइंट मानना है बी। यहाँ तक बात आती है समझ में, ठीक। अब आप क्लास 8th में 90 डिग्री का एंगल बनाना सीख के आए हो कंस्ट्रक्शन से, तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बी पर बनाना है आपको। सबसे पहले ऐसे एक आर्क खींचोगे, 90 डिग्री ऐसे ही बनाते थे, फिर यहाँ पर यहाँ से एक कट यहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे, फिर ऐसे, और ये आपका क्या बन जाएगा, 90 डिग्री। ये आपको बनाना आता है, ठीक। तो अब तक के स्टेप क्या क्या हैं, एक लाइन खींचिए, उस लाइन पर कोई एक पॉइंट मानिए ए, उस पॉइंट ए से 1 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट बनाना है बी, और उस बी पर कितने का एंगल बनाना है, 90 डिग्री का। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ से कंपास को यहाँ रखना है और एक कट लगाना है, कट कितने का, 1 सेंटीमीटर का, कितने का लगाना है, 1 सेंटीमीटर का। ये बात आई आपको समझ में, ठीक। और जो ये आपने कट लगाया है 1 सेंटीमीटर पर, उसका नाम क्या रख देना है, सी, बिल्कुल आसान बात, ठीक। अच्छा, अब ए से सी को हमने क्या किया, जॉइन। जैसे ही मैंने ए से सी को जॉइन किया तो आपको एक ट्रायंगल दिखाई दिया, विच इज राइट एंगल ट्रायंगल। यहां पर कितने का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। ये कैसा एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या, जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल हो, ऐसे ट्रायंगल का क्या नाम होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रायंगल का नाम क्या है हमारे पास, एबीसी। इस एबीसी जो ट्रायंगल है, इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ। ये एक अकेली ऐसी थ्योरम है जो आप क्लास 8th में पढ़ के आए होंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती थी, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही तो पढ़ा था आपने, ठीक है। हाइपोटेनस यहाँ पर क्या है, एसी। हाइपोटेनस क्या है, एसी, ठीक है। और परपेंडिकुलर क्या है, बीसी, है ना, और बेस क्या है, एबी। इसे आप कहते हैं कौन सी थ्योरम, ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। अब इसके बाद देखना ध्यान से, बीसी, बीसी की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ 1 रख दिया, ठीक। एबी की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 रख दिया, ठीक, बिल्कुल आसान बात। अब 1 का स्क्वायर कितना, 1, प्लस 1 का स्क्वायर कितना, 1, और ये 1 और 1 मिलकर कितना आ गया, 2। और इधर क्या चल रहा था, एसी का क्या चल रहा था बताओ, स्क्वायर, ठीक। अब हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2। स्क्वायर हटाते हैं तो इस साइड में क्या आ जाता है, अंडर रूट, ये पढ़ के आयो आप, ठीक। तो एसी की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, रूट 2, ठीक। तो यहां पर मैंने लिखा एसी रूट 2। फिर से एक लाइन खींचनी है, उस लाइन पर एक पॉइंट लेना है ए,
और वहाँ से 1 सेंटीमीटर पर एक दूसरा पॉइंट लेना है बी, उस बी पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है और 90 डिग्री के एंगल पर ये जो लाइन है इस पर 1 सेंटीमीटर का कट लगाना है और उस पॉइंट का नाम क्या रखना है, सी, ठीक। और सी से ए को ज्वाइन करना है, इससे क्या होगा, एक ट्राइंगल बन के तैयार हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। और इस राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 1 और बेस की वैल्यू कितनी है 1, इसको हमने सॉल्व किया, इधर स्क्वायर चल रहा था तो इधर क्या आ गया, अंडर रूट। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, √2। यहाँ तक बात आ गई समझ में, ठीक। अब आपको क्या करना है, कंपास को लेना है, ए पर रखना है और इसको खोलकर कहाँ तक ले जाना है, सी तक, ठीक। ये खोल के रख लिया आपने, अब ए से रखकर यहाँ पर ऐसे 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 करना है, मतलब एक आर्क बनाना है, डॉटेड आर्क, ऐसा। कैसे बनाना है सर, यहाँ से रखा और खोला सी तक, ठीक, और फिर पेंसिल से वो उसी को आगे बढ़ाना है ऐसे, डॉटेड लाइन, ठीक। इस डॉटेड लाइन को यहाँ पर ऐसे डॉट 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 करते हुए लेकर आओ तो ये यहाँ पर कट करेगी। इस पॉइंट का नाम आप कुछ रख देना एम सपोज करो, और ये जो पॉइंट है ना एम, यही किसको दिखाता होगा, √2 को। किसको दिखाता होगा, √2 को। तो आपने किसको नंबर लाइन पर शो करना सीख लिया, √2 को। ये बात आई आपको समझ में, ठीक। अब इसके बाद एक और बात सुनिए, अब आप मुझसे जानना चाहते हैं कि सर √2 तो ठीक है भाई, चलो समझ में आ रहा है, आपने ट्राइंगल बनाकर दिखाया, ठीक। अब आप √3 बनाकर दिखाइए, √3, ठीक है। तो √3 बनाने का तरीका सुनना आप ध्यान से, ये जो लाइन जा रही थी ये है ना, इस लाइन पर इस पॉइंट से यहां पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाओ, बनाना आता है 90 डिग्री का एंगल, ठीक। और इस 90 डिग्री का जो एंगल बनाया है यहां से 1 सेंटीमीटर का एक कट लगाओ उसमें, कितने का, 1 सेंटीमीटर का, और जहां कट लगाया है वहां पर क्या नाम रख दो, डी। तो ये तो सर आप वही वाले काम कर रहे हो जो इधर कर रहे थे, वही आप काम इधर करना शुरू कर दिया आपने, है ना। पहले मैंने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर पर क्या किया था, यहाँ पर 90 डिग्री बनाया और फिर कट लगाया था 1 सेंटीमीटर का, अब वही काम अब मैं यहाँ पर करना शुरू कर रहा हूँ, है ना। कैसे, ये 90 डिग्री बनाया और उससे यहाँ से क्या किया, 1 सेंटीमीटर का कट लगा दिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप बताना मैंने क्या किया था, सी से ए को क्या कर दिया था, ज्वाइन। ऐसे ही डी से ए को क्या कर दूंगा, ज्वाइन। स्टेप बता रहा हूँ, देखो कैसे रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर आओ, ए तो पॉइंट है ही कहीं, वहाँ से 1 सेंटीमीटर पर आपने क्या किया था, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया और उस लाइन पर 1 सेंटीमीटर का कट लगाया, उसका नाम क्या रख दिया, सी, ठीक, और सी से ए को ज्वाइन कर दिया, ठीक। इस वही काम अब यहाँ पर होने लग गए, देखना, ए से देखो इस पॉइंट पर यहाँ से आपने 90 डिग्री का एंगल बनाया और 90 डिग्री वाली लाइन पर एक कट लगाया और वो कट कितने पर लगाया, 1 सेंटीमीटर पर, और इस पॉइंट का क्या नाम रख दिया, डी, और डी से ए को क्या कर दिया, ज्वाइन। तो अब फिर से आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन के तैयार हो गया, क्या नाम है इस ट्राइंगल का, ए सी डी, ये ट्राइंगल, ये दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिख लिया मैंने ट्राइंगल ए सी डी, और इस ट्राइंगल में हम क्या लगा रहे हैं, बोलिए, पाइथागोरस थ्योरम, ये ठीक है। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं तो बताइए हाइपोटेनस कौन सा है, ए डी, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस, तो यहां पर हाइपोटेनस है ए डी, ठीक है, अच्छा, इक्वल्स टू, और परपेंडिकुलर क्या है, डी सी, इस ट्राइंगल की तो बात हो रही है तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है, डी सी, और बेस क्या है, ए सी, ठीक, अच्छा, डी सी की वैल्यू बताओ बोर्ड पर से देखकर कितनी है, डी सी, हाँ, 1, ए सी की वैल्यू बताओ बोर्ड पर से देखकर, अभी तो निकाली थी, कितनी है, ए सी की वैल्यू कितनी है, √2, ठीक, तो ए सी की जगह लिख दिया √2, इतनी बात आई समझ में, ठीक। अब इसके बाद 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो क्या आ जाएगा,
क्या बनेगा बताओ? 2 बनेगा, कितना आएगा? 2, ठीक। और 1 और 2 मिलकर कितना? 3। तो यहाँ से ए डी स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अंडर रूट। फिर से 1 का स्क्वायर कितना? रूट 2 का स्क्वायर चल रहा था, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ठीक। तो क्या बचेगा यहाँ पर? 2, और 2 और 1 मिलकर 3, और इधर स्क्वायर चल रहा था, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट। तो AD की वैल्यू बताइए कितनी आई? √3, ठीक। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप बता सकते हो क्या करना है? हाँ देखो, A से देखो क्या करना है, A से कहां तक खोलोगे? D तक, और D से खोल के फिर क्या करोगे? डॉटेड लाइन लेकर आओगे, सेम ऐसे, ठीक है। इस पॉइंट का यहां पर नाम रखा M, इसका कुछ नाम रख दिया क्या N, और ये पॉइंट बताओ किसको शो कर रहा है? ये बात आई समझ में? तो आपने दो चीजें बनाना सीखी, √2 एंड √3। इसी तरह से हम सर जानना चाहते हैं कि √4 क्या होता होगा। तो मैंने कहा कि आपको मैंने दो चीजें करके दिखाई एक जैसी, इसी तरह से √4 भी बनाएंगे और सेम स्टेप चलेंगे, सेम प्रोसेस चलेगी। मतलब यहां पर हम क्या करेंगे बताओ, बोलो, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री एंगल बनाने के बाद यहां से 1 सेंटीमीटर का एक कट लगाएंगे और उस पॉइंट का कुछ नाम रख देंगे, सपोज दैट हमने रखा ई, वही प्रोसेस चल रही है। और फिर ई से किसको ज्वाइन करेंगे? ए को, ई से ए को ज्वाइन करेंगे, ठीक। अब यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ठीक। राइट एंगल ट्राइंगल का इसका नाम क्या है? ए डी ई, ठीक है, ट्राइंगल ए डी ई। इस ट्राइंगल में हम क्या लगाएंगे? ठीक है, लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेनस तो यही होगा ए ई, तो यहां पर क्या लिखेंगे? ए ई का स्क्वायर किसके इक्वल होगा बताइए? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? ई डी। परपेंडिकुलर क्या है? ई डी। और बेस क्या है? ए डी। ई डी की वैल्यू देखकर बताइए बोर्ड पर, ई डी की वैल्यू कितनी है? 1, ठीक है। ए डी की वैल्यू बताइए? √3, ये हमने निकाली थी, है ना। AD की वैल्यू है √3। 1 का स्क्वायर, और स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हुआ, क्या आ जाएगा? तो कितना आंसर बचेगा? और इधर क्या चल रहा था? AE का स्क्वायर, स्क्वायर हटा देंगे तो क्या आ जाएगा? तो इसका मतलब AE की वैल्यू कितनी आई? रूट। अब बताओ क्या करेंगे? हाँ, ए से रखकर, हमेशा ए से रखकर कहाँ तक खोलेंगे? ई तक, और फिर वहां से डॉटेड लाइन आएगी ऐसी, ये इसका कुछ नाम रख दिया हमने पी, और ये किसको शो करता है? √4। ये बात आई समझ में? अब मैंने इतनी जब बात आपको समझा दी तो अब मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, √5 बना के दिखाओ। तो बताइए सबसे पहला स्टेप क्या होने वाला है? हाँ, वेरी गुड। ये जो लाइन है यहां पर हम क्या करेंगे? एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये बना, ठीक। अब क्या करेंगे? वेरी गुड। यहां से 1 सेंटीमीटर का एक कट लगाएंगे, 1 सेंटीमीटर, और उसका कुछ नाम रख देंगे एफ। अब हाँ, एफ को ए से ज्वाइन करेंगे, ठीक। यहां पर बन गया क्या? 90 डिग्री। तो यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया, उसका नाम क्या है? ए ई एफ। वन सेंटीमीटर, और ये है ई, ठीक। लगाइए पाइथागोरस थ्योरम ट्राइंगल ए ई एफ में। ट्राइंगल ए ई एफ में ये 90 डिग्री है, तो यहां से लेकर यहां तक ये हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनस का नाम क्या है? ए एफ। ए एफ का स्क्वायर किसके इक्वल होगा बताइए? ए परपेंडिकुलर स्क्वायर एफ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर।
ठीक, यहाँ तक भी बात सही है। अब इसके बाद एफ ई की वैल्यू बताइए। एफ ई कितना है? 1। ए ई कितना है? 2। ए ई की वैल्यू ये निकाली हमने, √4 देखिए, है ना। 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ स्क्वायर से रूट कटा तो क्या आ जाएगा? 4। ठीक है ना, ये बात आ रही समझ में? अच्छा, तो 4 और 1 मिलकर कितना? 5। और इधर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? √5। तो इसका मतलब ए एफ की वैल्यू कितनी आई? √5। ठीक, अब बताइए क्या करेंगे। हाँ, ए से कहाँ तक खोलेंगे कंपास को? एफ तक, और फिर उसको आगे ऐसे खींचेंगे जितनी हमसे लाइन बनेगी, और उसका कुछ नाम रख देंगे, क्या, क्यू। और ये किसको शो कर रहा होगा? मैंने आपको 2, 3, 4, 5 ये बनाकर दिखाए। अगर कोई अब आपसे कहे कि √6 बनाकर दिखाओ, तो आप बना पाओगे या नहीं? बना लो, फिर से वही काम करना शुरू कर देंगे सर, कि यहाँ पर 90 डिग्री का एक लाइन का एंगल, और उस लाइन पर 1 सेंटीमीटर का कट, और फिर वहाँ से ए को ज्वाइन करना और एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाना, फिर वो जो लाइन है वो √6 आ जाएगी, और फिर यहाँ से खोल कर उसको √6 रिप्रेजेंट कर देंगे। नो, उसके लिए आपको थोड़ी सी देर धैर्य रखना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आ गई आपको समझ में? तो मैंने आपको 2 से स्टार्ट करते हुए सारे दिखा दिए 5 तक। ठीक, अब सपोज करिए हमारे सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें उसने कुछ ये पूछा हुआ है, सीधा सपोज करिए √5, जैसा कि एक मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें उसने पूछा है कि √5 को बनाकर दिखाओ। अब हमारे दिमाग में ये आया कि ये बनाना तो महाभारत है, पहले तो 2 बनाओ, फिर 3 बनाओ, फिर 4 बनाओ, फिर 5 बनाओ, बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आपको सारे बनाने पड़ेंगे। पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे प्यारे बच्चों, कोई भी एक लाइन, ठीक है, उस पर एक पॉइंट ले लेंगे, क्या, ए। वहां से 1 सेंटीमीटर पर एक दूसरा पॉइंट ले लेंगे, क्या, बी। ये तो वही वाले स्टेप बता रहे हो सर जो पहले बताए थे, है ना। लेकिन एक चीज चेंज कर रहा हूं मैं, कि जब यहां पर आप 90 डिग्री का एंगल बना लोगे तो मैंने कितने का कट लगवाया था? अब मैं कह रहा हूं कि 1 ना लगाकर आप 2 सेंटीमीटर का कट लगा लेना। कितने का? 2 सेंटीमीटर का। और यहां पर नाम क्या रख देना? सी। और इससे इसको ज्वाइन कर देना प्यारे बच्चों, ठीक है। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन के तैयार हुआ। क्या नाम है बताओ इसका? ए बी सी। क्या नाम है? ए बी सी। और इस ए बी सी ट्राइंगल में हम क्या लगा देंगे? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। लगाइए पाइथागोरस थ्योरम, क्या आएगा? ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल? बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, यही होती है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। बोर्ड पर देखकर बी सी की वैल्यू बताइए कितनी है? 2। और ए बी की वैल्यू कितनी है? ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना? और 1 का स्क्वायर, ठीक है, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 और 1 मिलकर कितना हो गया? स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? अरे वाह सर, मजा आ गया, तो सीधे √5 आ गया। यहां पर ये वैल्यू आई क्या? √5। अब क्या करेंगे? ए से सी तक ओपन करेंगे और इसको यहाँ आगे लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये एक आर्क यहाँ पर बनाएंगे आप, और ये यहाँ पर कट कर रही होगी, और ये चीज क्या रिप्रेजेंट करेगी? √5। तो इससे आपने क्या समझा, कि ऐसा नेसेसरी नहीं है कि √5 पूछा जाए तो 2 से स्टार्ट करना है, फिर 2 बनाओ, फिर 3 बनाओ, फिर 4 बनाओ, फिर 5 पर जाओ। नो, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक। अब कौन कौन से नंबर हैं जो आप डायरेक्ट बना सकते हैं? एक आप √2 डायरेक्ट बना सकते हैं। कैसे? यहाँ 1 लेंगे और फिर इसके बाद यहाँ 1 लेंगे, तो 1 यहाँ पर 1 रखोगे, यहाँ 1 रखोगे, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 कितना? 2। तो कितना आंसर आ जाएगा बताओ? √2, जैसे यहाँ पर आया हुआ, ठीक है ना। तो ये जो पहला वाला है ये तो आप बना सकते हो, इसका √2, और ये सीधा आ जाएगा। अब √3 आप कैसे बनाओगे? क्या आप डायरेक्ट √3 बना सकते हो? सोचो, √3 आप क्यों नहीं बना पा रहे होगे? क्योंकि जब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो एक चीज़ तो 1 होगी, लेकिन दूसरी चीज़ क्या चाहिए होगी?
रूट टू, तो क्या आप स्केल से रूट टू का कट लगा सकते हैं? नहीं, नहीं लगाना आता आपको। तो इसका मतलब कौन कौन से इसमें से डायरेक्ट बना सकते हैं आप? एक तो आप बना सकते हैं किसका, रूट टू का, ये वाला। कैसे बनेगा सर? वन ये होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा, और यहाँ कितने का कट लगेगा, वन का, और यहाँ से यहाँ ज्वाइन करोगे इस ट्राइंगल में, जब इसको सॉल्व करते हैं हम तो कितना आंसर आ जाता है डायरेक्ट, ठीक। ये तो हो गया प्यारे बच्चों बात किसकी, रूट टू की। रूट थ्री मैंने आपको क्या बोला, आप डायरेक्ट नहीं बना पाएंगे, पहले क्या बनाएंगे, रूट टू, फिर उसके बाद क्या बनेगा, रूट थ्री। ये बात आ रही है आपको समझ में? अच्छा, रूट फोर का मतलब कितना, रूट फोर बनाना हो, रूट फोर का मतलब कितना होता, टू। रूट फोर कहीं लिखा हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, टू। तो रूट फोर तो वैसे ही बना देंगे हम, टू सेंटीमीटर ऐसे नंबर लाइन खींचो और वहां से जीरो से टू सेंटीमीटर पर, ये जो टू सेंटीमीटर होगा, ये टू किसको रिप्रेजेंट करता होगा बताओ, वो तो वैसे ही बनाना आता है हमें, ये सब करने की जरूरत ही नहीं। समझ में आई बात? अब हम किस पर आ गए, रूट फाइव पर। अब रूट फाइव बताइए कैसा बनता होगा, तो ये तो कितना रखना होता है, और ये, हाँ टू। तो ये वन और ये टू लेने से क्या फायदा होता है सर, कि जब हम ये पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो आंसर कितना आ जाता है, रूट फाइव, तो ये बन जाएगा। अब यहाँ से वो सीधा वही वाला प्रोसेस करो आप और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो कौन कौन से नंबर हैं जिनको आप डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर सकते हो, रूट टू, और दूसरा आपको कौन सा मिला, रूट फाइव, और रूट फोर को भी अब एक तरह से कहूँ तो मैं कर सकते हो आप। रूट थ्री बनाने के लिए आया तो पहले क्या बनाना, रूट टू। रूट टू जब बना लो तो रूट टू आप ये रिप्रेजेंट कर चुके होगे रूट टू, फिर एक एक बार और करना है इसको, है ना। तो रूट टू और ये वन मिलकर कितना आ जाएगा, रूट थ्री। तो ये वाली लाइन आपको रूट थ्री मिल जाएगी, वो रूट थ्री आप रिप्रेजेंट कर देना, ठीक है।